ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। A1 न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। दिल्ली के विकासपुरी के इंदिरा कैंप में मनाया गया नए साल का जश्न। खास बात ये थी, इसे छोटे छोटे बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया गया। इस दौरान एक कदम शिक्षा समाज भविष्य की ओर एनजीओ ने बच्चों को मिठाई खिलाई और कपड़े बांटे। खुद को मिले इस प्यार से स्लम में रहने वाले बच्चे काफ़ी खुश दिखे। बच्चों ने भी अपने प्यार का आभार जताने के लिए हाथों से बने हुए ग्रीटिंग कार्ड दिए। इसके अलावा क्या कुछ खास हुआ इस कार्यक्रम में, देखते हैं ये खास रिपोर्ट। इस अनोखे जश्न की पहल की एनजीओ के कर्ताधर्ता हरीश शर्मा ने। हरीश के लिए ये मौका और भी खास था, क्योंकि इसी दिन उनका जन्मदिन भी था। बस दो दो मौकों को इन बच्चों के साथ मनाया। इस दौरान राष्ट्रपति अवार्डी विजेता CRPF के कमांडेंट RK गुप्ता ने बच्चों को अपना आशीर्वाद दिया। इनके अलावा A1 न्यूज़ टीवी के CEO वरुणेंद्र कथूरिया, BJP के पूर्व काउंसलर बलवीर त्यागी, द्वारका के एंटी करप्शन के प्रेसिडेंट विकास बख्शी, समाज सेवी अश्विनी भारद्वाज, रोहिणी के एंटी करप्शन के प्रेसिडेंट अमित अरोड़ा, इंदिरा कैंप की प्रेसिडेंट कविता, अन्ना हजारे की टीम से जयेश गौड़ ने भी बच्चों को शुभकामनाओं के साथ गिफ्ट्स दिए। इस जश्न को मुमकिन बनाया संस्था के कृष्णा भारद्वाज, श्वेता भारद्वाज, पूजा शर्मा और कोमल ने। स्लम के इन सभी बच्चों के साथ इन्होंने मिलकर खूब मस्ती की और उन्हें अपनेपन का एहसास कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 न्यूज़ टीवी। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए A1 न्यूज़ टीवी। नमस्कार।